आपने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन तो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारे सेकंड पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियसली हमने देखा था कि लॉरा का ब्रिज पर एक्सीडेंट हो चुका है, एक राइवल गैंग ने किया हुआ था। इस एक्सीडेंट में उसका बेबी गिर जाता है, इसके बारे में उसने मसीमो को नहीं बताया। अब इसके बाद कुछ टाइम गुजर चुका है और इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूवी स्टार्ट होती है। मूवी स्टार्ट होती है और आज का दिन लॉरा और मसीमो की वेडिंग का था। उसे शादी के पहले मिलने के लिए आ गया, जो अलाउड नहीं था। लॉरा उसे कहती कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मसीमो उसके पास आ जाता है और ये दोनों इंटीमेट हो गए। ओल्गा इन दोनों को साथ देखती है। उसने कहा कि वेडिंग के पहले ब्राइड को देखना है अपशगुन माना जाता है, और तुम ये दोनों क्या कर रहे हो? दोनों को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ओल्गा लॉरा से पूछती है, क्या तुमने अब तक मसीमो को कुछ भी नहीं बताया? ओल्गा ने नोटिस किया था कि लॉरा आजकल सिगरेट भी पीने लग गई है, यानी कि वो टेंशन में है। लॉरा कहती है कि अगर मसीमो को पता चला कि उस एक्सीडेंट में उसका बेबी गिर गया था तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। उस एक्सीडेंट के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल था उन सबको मार डालेगा। वो ये सब वायलेंस नहीं चाहती थी। इस तरीके से उसे ना बताना ये लॉरा के लिए बहुत ही हार्ड था। ओल्गा कहती कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, वो हमेशा उसे सपोर्ट करती है। इसके बाद लॉरा और मसीमो की बहुत ब्यूटीफुल सी वेडिंग हुई। रात में अपने घर पर आए, मसीमो कहता है कि आराम करने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास एक घंटा है, इसके बाद मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। लॉरा कहती कि ऐसा नहीं होगा, आज मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगी। उसे कुर्सी से बांध देती है, उसके बाद खुद को प्लीज करने लग गई। बाद में उसने मसीमो को छोड़ दिया और कहती कि तुम्हें अब जो चाहिए वो तुम कर सकते हो। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। पैरेलल में हम देखते हैं कि लॉरा की फ्रेंड ओल्गा और मसीमो का फ्रेंड डोमिनिको, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो चालू हो गया था। डोमिनिको के पास पहले टाइम नहीं था और इस वजह से ओल्गा को उसने इग्नोर किया था, इसी वजह से वो जरा नाराज थी। उसे मनाने के लिए अपने साथ फूल लेकर आता है। ओल्गा कहती कि तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ फूलों से मैं मान जाऊंगी? डोमिनिको ने सारे पेटल्स उस पर बरसा दिए। वो हंसने लग जाती है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। अगले दिन लॉरा मसीमो से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मसीमो कहता है कि जब मैं फर्स्ट डे तुमसे मिला था उतनी तुम आज भी ब्यूटीफुल लग रही हो। इसके बाद ये दोनों अपने हनीमून को एंजॉय करते हैं। घर आने के बाद उन्होंने देखा तो ओल्गो और डोमिनिको ये दोनों एक साथ थे। लॉरा कहती है कि अब घर का सारा फर्नीचर हमें बदलना पड़ेगा, क्या पता तुमने यहाँ पर क्या क्या किया हो। लॉरा ओल्गा को जज कर सकती थी, पर ओल्गा कहती कि तुम मुझे जज नहीं कर सकते, वो भी मसीमो के साथ है। मसीमो उनसे कहता है कि तुम दोनों के लिए मैंने एक वैकेशन प्लान की है, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। लॉरा कहती कि हम फर्नीचर नहीं है, तुम जब चाहो हमें बाहर रख दो। मसीमो को अपने बिजनेस का कुछ इंपॉर्टेंट काम था। ओल्गा लॉरा से कहती है कि वैसे भी हमें वैकेशन लिए बहुत टाइम हो चुका है, हमें कहीं पर चलना चाहिए। डिनर पर आने के बाद भी लॉरा जरा अपसेट थी। ओल्गा उसे पूछती कि हुआ क्या। लॉरा कहती कि मसीमो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करता, फिर भी मैं अच्छी तरीके से उसे ट्रीट नहीं करती। ओल्गा कहती कि उसे जो अच्छा लगे वही सब तुम्हें करना चाहिए। लॉरा मसीमो को मिस कर रही थी तो रात में उसे अपने पास वो बुला लेती है। वो दोनों फिर इंटीमेट हो गए। सुबह मसीमो को कॉल आ जाता है। लॉरा उसके साथ और भी टाइम बिताना चाहती थी, पर उसे जाना पड़ेगा। उसे कहता है कि हमारा हनीमून खत्म हो चुका है, हमें फिर से अब नॉर्मल लाइफ में वापस जाना पड़ेगा। लॉरा अपनी फ्रेंड ओल्गा के साथ बहुत मजे करती है। ओल्गा ने कहा कि जब हम छोटे थे तो हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि हम दोनों इतनी रिच बन जाएंगे। लॉरा कहती कि उस टाइम पर भी हमारी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग थी और हम खुश थे। सिर्फ पैसे आने की वजह से कुछ भी नहीं बदलता, हमारी बॉन्डिंग हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसके बाद वो लंच के लिए एक बहुत ही अच्छे से जगह पर आए। थोड़ी देर में मसीमो के आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो खुद आकर कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। लॉरा इस बात से बहुत गुस्सा हो गई थी। उसे कहती कि हमारी लव स्टोरी की बिगिनिंग ये बहुत ही घटिया थी, तुमने मुझे किडनैप कर लिया था, बस स्लोली स्लोली मैं तुमसे प्यार करने लग गई। तुम्हें लोगों को कंट्रोल करने की आदत है, पर तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं इस तरीके से तुम्हारी जेल में नहीं रहूंगी। मसीमो सब चीज़ों के लिए उसे सॉरी कहता है। एक दिन जब वो हैंगआउट कर रही थी तो उसे मिलने के लिए वहाँ का गार्डनर नाचो आता है। वो खुद से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। लॉरा कहती है कि तुम्हारा नाम इटालियन नहीं लगता। नाचो कहता है कि मेरी मदर मैक्सिको से थी, इसी वजह से उसका ऐसा नाम पड़ा है। लॉरा पूछती है कि मेरे हस्बैंड के लिए तुम कब से काम कर रहे हो। वो कहता है कि रिसेंटली मैं यहाँ पर काम करने लग गया हूँ। उसे लगा कि शायद लॉरा का टाइम वो वेस्ट कर रहा है तो वहाँ से जा रहा था। लॉरा कहती है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। नाचो ने कहा कि एक अच्छी वाइफ होना भी ये बहुत ही हार्ड जॉब है। लॉरा कहती कि शायद इसमें मैं बेस्ट हूँ, तब भी मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ रहा। इनके इस इनकाउंटर के बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में क्रिसमस आ चुका था तो मसीमो ने लॉरा के पेरेंट्स को वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए बुला लिया था। मसीमो लॉरा को एक गिफ्ट देता है, ये कुछ पेपर्स थे। उसने कहा कि अब तुम्हारी खुद की क्लोथिंग की कंपनी है,
मुझे बताया कि तुम्हें फैशन बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें हमेशा से काम करना अच्छा लगता था और इस तरीके से मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम्हें जो अच्छा लगे वही तुम अब करोगे। मसीमो पूछता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। लॉरा कहती है कि तुम्हें जरा वेट करना पड़ेगा। ऑकेजन का फायदा उठाकर टॉमनी को ओल्गा को प्रपोज कर देता है। उसके साथ ही अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता था। ओल्गा ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी। वो एक्सेप्ट करती है और सब लोग बहुत खुश थे। रात में लॉरा मसीमो को उनके स्पेशल रूम में बुलाती है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी और लॉरा कहती है कि तुम्हें जो भी करना है आज रात तुम मेरे साथ कर सकते हो। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लॉरा उसके पेरेंट्स को यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए उसे थैंक यू कहती है। उसने पूछा कि क्या तुम अपनी फैमिली को मिस करते हो। उसके फादर की डेथ हो जाने के बाद मारियो जो उसका राइट हैंड था सिर्फ वही उसके साथ था। लॉरा के एक्सीडेंट के बाद वो खुद को ब्लेम करने लग गया क्योंकि सिक्योरिटी का जिम्मा उसका था। वो जॉब छोड़कर चला गया और मसीमो अब अकेला है। वो कहते कि तुम्हारे सिबलिंग्स वगैरह कोई भी नहीं है, क्या तुम्हें अकेला नहीं लगता? मसीमो ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा एक ब्रदर है। इस ब्रदर के बारे में लॉरा को अब तक कुछ भी पता नहीं था। मसीमो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था और कुछ भी ना बताते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लॉरा अपनी कंपनी में आई। वहाँ के एम्प्लॉय उसे कहती है कि कंपनी का सारा काम हम नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। आज तुम दोनों के ड्रेसेस बहुत ब्यूटीफुल से हो, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उन दोनों के लिए अच्छे से ड्रेसेस डिज़ाइन किए गए। रात में पार्टी थी और वहाँ पर लॉरा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। मसीमो यहाँ पर भी अपने बिजनेस के लोगों से बात कर रहा था। लॉरा उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मसीमो ने कहा कि मैं एक लास्ट मीटिंग कर आता हूँ। लॉरा कहती कि मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें अपना बिजनेस लगता है। इस बात से वो बहुत ही अपसेट हो गई थी और मसीमो को बात करना इम्पोर्टेंट था, इस वजह से वो चला गया। कुछ टाइम बीत जाता है, उसे वो ढूंढने लग गए। ऊपर वो मसीमो को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देख दिया। ये वही एक्स गर्लफ्रेंड है जिसे मसीमो ने जिस दिन उसने लॉरा को देखा था उसी दिन ब्रेकअप कर लिया था। उसने नोटिस किया कि एक्स गर्लफ्रेंड मसीमो को कहीं पर लेकर गई, तो लॉरा उसका पीछा करती है। रूम में जाकर उसने देखा तो मसीमो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। वो बाहर आई तो नाचो से टकराई। उसे कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। वो विश करती है कि यहाँ से कहीं वो दूर चली जाए। नाचो कहता है कि कुछ घंटों में मैं मेरी फ्लाइट से अपने घर पर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। लॉरा ने मसीमो को कॉल करने की कोशिश की पर वो आउट ऑफ रीच आ रहा था। वो फिर अपने मदर को कॉल लगाती है। उसने कहा कि मसीमो ने जो भी किया इसके बाद मैं उसके साथ नहीं रह सकती, कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहती थी। उसे वरी ना करने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। नाचो का बीच के पास एक बहुत ही बड़ा घर था। लॉरा कहती कि तुम्हारे घर में जो कपड़े पड़े थे ये मैंने पहन लिए, शायद ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के थे। नाचो कहता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी सिस्टर के है। वो थोड़ी देर में उसे मिलने के लिए आएगी। सिस्टर प्रेग्नेंट थी और इस वजह से उसके मूड का ख्याल उन्हें रखना पड़ेगा। लॉरा का मैसेज मिलने के बाद उसकी मदर गुस्से में मसीमो से मिलने के लिए आ गई। उसे कहती कि तुमने किया क्या, इस तरीके से लॉरा कहाँ पर चली गई। उसे स्लैप कर दिया और यहाँ से जा रही थी। मसीमो कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पाता, ऐसा उसने क्या किया ये बात उसे समझ में नहीं आती। मसीमो जल्दी से अपने सारे आदमियों को लॉरा को ढूंढने के लिए भेज देता है। नाचो की सिस्टर लॉरा से कहती है कि मेरा ब्रदर बहुत ही अच्छा है, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, मैं चाहती हूँ कि उसकी भी एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड हो, तुम उसके लिए परफेक्ट रहोगी। लॉरा कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छी हूँ। सिस्टर ने कहा कि मेरे इंट्यूशंस कभी भी गलत नहीं होते। लॉरा कहती कि आजकल मेरी लाइफ ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे पहले मैं सॉर्ट करना चाहती हूँ। सिस्टर ने पूछा कि तुम दोनों कैसे मिले थे। वो कहती कि नाचो मेरे लिए गार्डनर का काम करता था। इस बात पर उसकी सिस्टर हंसने लग गए। वो कहती कि नाचो बहुत ही सरप्राइजिंग है, वो कब क्या करेगा ये किसी को भी पता नहीं होता। नेक्स्ट दिन में मसीमो के साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने मीटिंग रखी थी। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके अपोजिशन के गैंग से है। वो उसे कहती कि कोई भी एरी गैरी पोलैंड की लड़की तुम्हारे साथ उसकी लाइफ हैंडल नहीं कर सकती है। हम दोनों का हमारे बीच में जो भी हुआ था ये सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए, फिर से हम एक नई स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम दोनों एक साथ रहे तो हमें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मसीमो को उस पर शक चला गया। वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुमने कुछ ना कुछ तो किया है, पर अब ये बात कन्फर्म हो गई। मैं पता करके रहूँगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। मूवी देखते हुए लॉरा को मसीमो की बहुत याद आ रही थी। वो नाचो से कहती कि मैं उसे बहुत ही मिस करती हूँ। नाचो पूछता है कि हमेशा तुम जैसी अच्छी लड़कियाँ मसीमो जैसे बैड बॉयज़ के चक्कर में क्यों फंस जाती है। लॉरा कहती कि शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, शायद मुझ में ही कुछ कमी थी और इसी वजह से उसने मुझ पर चीट किया। नाचो कहता है कि कभी भी ऐसी बात मत करना, तुम पर चीट करने वाला वो बहुत ही बड़ा इडियट है। उसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो,
नेक्स्ट सीन में हम मसिमो की एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम था अर्बन्स का इसे एड्रियानो के साथ बात करता देख सकते हैं। एड्रियानो और कोई नहीं तो मसिमो का ट्विन ब्रदर है, उसी की तरह दिखता था और इसी वजह से लॉरा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। एड्रियानो कहता है कि सब कुछ तो ठीक हुआ था, फिर भी गड़बड़ कैसे हो गई। वो डर रहे थे कि मसिमो सब कुछ फिगर आउट कर लेगा। उनका आदमी जिसके पास लॉरा को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट था वो वापस आता है, कहता है कि लॉरा उनके हाथ से चली गई है। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वही के वही उसे मार डालते हैं। डोमिनिको ने पता निकाला था कि लॉरा नाचो के साथ है, अपने एक आदमी को नाचो को मारने के लिए वो भेज देते हैं। लॉरा के चले जाने के बाद ओल्गा बहुत ही डिस्टर्ब थी पर उसे कुछ भी बताते नहीं। लॉरा और नाचो में करीबियाँ बढ़ गई थी और ये दोनों इंटीमेट हो गए। रात में अचानक से मसिमो का आदमी अंदर घुस रहा था, नाचो और उसके बीच में फाइट होती है और नाचो उसे बहुत मारता है। इस बात से लॉरा डिस्टर्ब हो गई। लॉरा पूछती है कि क्या तुमने उसे मार डाला। नाचो कहता है कि मैंने सिर्फ उसे इंजोर किया है। अगली सुबह उसने पूछा कि कल रात हुआ क्या था, तुम सिर्फ एक गार्डनर हो और तुम्हारे घर में कोई अंदर क्यों घुसाएगा। नाचो कहता है कि इस सब के बारे में तुम वरी मत करो। लॉरा पूछती है कि तुम इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जीते हो। नाचो कहता है कि मेरे फादर बहुत रिच है, मैं आजकल खुद इंडिपेंडेंट होने का ट्राई कर रहा हूँ। लॉरा उसे इस तरीके से इंटरोगेट करने के लिए सॉरी कहती है। उसने कहा कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की और इस तरीके से मैं तुम्हारी लाइफ को डिफिकल्ट बना रही हूँ। नाचो कहता है कि वरी मत करो, आज कहीं पर चलकर कुछ फन करते हैं। लॉरा जरा अपसेट थी तो कहता है कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मसिमो को उसके आदमी की हालत के बारे में पता चला, इससे वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। नाचो और लॉरा एक स्पीड बोट पर एक आइलैंड पर आए। यहाँ पर आने के लिए आपको बोट से ही आना पड़ता है। लॉरा कहती कि यहाँ पर सब कुछ बहुत डिफरेंट है। नाचो कहता है कि मैं सबसे बहुत डिफरेंट हूँ। लॉरा ने मजाक किया कि डेट पर आने के लिए आइलैंड परफेक्ट है, यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता। नाचो भी मजाक कर कहता है कि मैं सारी अपनी पुलिस गर्लफ्रेंड को यहीं पर लेकर आता हूँ। इसके बाद वो एक दूसरे के साथ अपना टाइम बहुत ही अच्छे से स्पेंड करते हैं। अगले दिन नाचो को कुछ काम था तो अपनी सिस्टर के साथ लॉरा को छोड़कर जाता है। लॉरा देखती है कि नाचो अपने फादर के साथ बात कर रहा है और इस कन्वर्सेशन के बाद वो ज़रा डिस्टर्ब हो गया था। वो इसके बारे में उसे पूछते हैं तो नाचो ने कहा कि चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। वो उसे बिना वेव्स की सर्फिंग सिखाता है। एक दूसरे के साथ ये बहुत एंजॉय कर रहे थे। मसिमो को लॉरा के बारे में मैसेज मिला और उसे लेने के लिए निकल पड़ा। लॉरा को रात में नाचो के सपने आते हैं। नाचो पूछता है कि क्या तुम्हारा ड्रीम अच्छा था। लॉरा कहती है कि इससे भी अच्छे ड्रीम्स मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। लंच पर नाचो लॉरा से कहता है तुम्हें मेरे फादर से मिलना पड़ेगा। लॉरा कहती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, वैसे भी तुम्हारी सिस्टर से मैं मिल चुकी हूँ। नाचो कहता है कि एक बड़ी मीटिंग होगी, इसमें मसिमो भी आने वाला है। लॉरा उसे पूछती है कि एक्चुअल में तुम हो कौन। नाचो कहता है कि मैं यहाँ के माफिया का बेटा हूँ, मसिमो और मेरे फादर एक दूसरे के राइवल्स हैं। लॉरा उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे फादर ने मुझे यहाँ पर लाने के लिए कहा था। नाचो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आई, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। लॉरा कहती है कि अगर मैं खुद नहीं आती तो तुम क्या करते। नाचो कहता है कि मैं कुछ ना कुछ तो वे ढूंढ ही लेता। लॉरा कहती कि मैं बहुत बड़ी पागल थी, मुझे लगा कि तुम मेरे फ्रेंड हो। सब कुछ उसे बहुत परफेक्ट लग रहा था। नाचो कहता है कि मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स फेक नहीं थी, मैंने एक्चुअल में तुमसे प्यार किया है। हमने एक साथ जो भी टाइम स्पेंड किया ये मेरे लिए बहुत ऑनेस्ट था। लॉरा कहती कि पहले मैंने जो गलती की थी अब मैं फिर से उसे रिपीट नहीं करूंगी। मैं अब तुम जैसे आदमियों से तंग आ चुकी हो जिन्हें लगता है उनकी जो भी मर्जी हो वो सब कुछ वो पा सकते हैं। उसे उस मीटिंग में लेकर जाने के लिए कहती है। नाचो उसे कहता है कि कभी भी मैं गैंगस्टर नहीं बनना चाहता था, मेरा सर्फिंग पैशन था और इसी में मैं कुछ करने वाला था, पर मेरी फैमिली की वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पाया। लॉरा कहती कि तुम्हें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इस तरीके से तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अपने मैंशन पर पहुंचने के बाद दो बॉडीगार्ड उनके पास आए। वो कहते हैं कि लॉरा हमारे साथ रहेगी। नाचो के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो लॉरा को सेफ रहने के लिए वो कहता है। लॉरा कहती कि जो हो चुका इससे बुरा कुछ भी अब होने नहीं वाला। नाचो के फादर मसिमो से बात करते हैं और कहते हैं कि जो भी मैंने किया इसके लिए मैं सॉरी हूँ, पर हालात ही कुछ ऐसे हैं। तुम्हारे फादर और मैंने एक एग्रीमेंट किया था, हम एक दूसरे की लिमिट्स को जानते थे, पर जब से तुमने बिजनेस संभाला है तुम बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हो। एक्सपांशन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता और इस वजह से हम सब लोग डेंजर में आ गए। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बिजनेस करना चाहिए। अगर बिजनेस संभालने के लिए तुम अपने ब्रदर को लेकर आओ तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मसिमो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है कि मेरे फादर ने सब कुछ बहुत मेहनत से बनाया, अगर मेरा ब्रदर ही संभालने लग गया तो सब कुछ वो बर्बाद कर देगा। नाचो के फादर कहते हैं कि गुस्सा मत करो, याद रखो कि तुम्हारी वाइफ अब भी हमारे पास है, वरी मत करो, मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ वो बहुत सेफ है।
ये सुनकर नाचो ने कहा कि लॉरा को तो कोई और लेकर गया। इस बात से वो शॉक्ड हो गए। नाचो और मसीमो दोनों मिलकर लॉरा को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लॉरा को आर्डिनो के सामने लेकर आया गया। लॉरा उसे पूछने लग गई कि तुम मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हो। उसने नोटिस किया कि मसीमो नहीं है। वो कहता है कि मसीमो के सिर्फ 10 मिनट बाद मेरा जन्म हुआ था, फिर भी मुझसे सबको छीन लिया गया। अब वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब सब कुछ मेरा हो जाएगा। लॉरा को लेने के लिए मसीमो आ रहा था, उसे वो मारने वाला था। यहाँ पर अरबांस का भी आ गई। वो कहती थी कि मसीमो को मुझे इस तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए था, ये भूल उसे बहुत महंगी पड़ेगी। नाचो और मसीमो वहां पर पहुंच गए। एड्रिनो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम मुझे कहोगे और हमेशा के लिए मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा। तुमने अब फाइनली अपनी वीकनेस मुझे दिखा दी। अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्या लॉरा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है या फिर हमारे फादर का एम्पायर। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम अपने बेबी का फेस भी देख नहीं पाए। मैं देखना चाहता था कि क्या वो तुम्हारी तरह देखता है। ये पता चलने के बाद मसीमो को बहुत गुस्सा आया। एड्रिनो ने लॉरा को छोड़ा और अरबांस को उसे शूट कर दिया। ये मसीमो को मारने वाले थे तो नाचो ने अरबांस का को शूट किया और मसीमो ने एड्रिनो को। इसके बाद नाचो मसीमो पर गन लगाता है, पर गन उसने नीचे कर दी। उसे छोड़कर वहां से चला गया। मसीमो लॉरा को अपने बाहों में लेकर बहुत रोता है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, पर हमें पता है कि लॉरा अब तक डेड नहीं है। नेक्स्ट ईयर इसका नेक्स्ट पार्ट रिलीज होगा और तब इनकी स्टोरी फिर से कंटिन्यू होगी। लॉरा को कुछ भी होने नहीं वाला क्योंकि सारी बुक्स में वो प्रेजेंट है। मसीमो ने एड्रिनो के कंधे पर शूट किया है, तो अब क्या होगा ये भी हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आज का एक्सप्लेनेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।